ये कोरोना से नहीं मर रहा है, ये सरकार की अव्यवस्था के कारण मर रहा है। हम दुबई से लाएंगे या किस कंपनी से दवाई, पप्पू यादव जाने का, आप हमको बिलिंग दे दीजिए आपके होलसेलर से, एक एक मरीज तक हम दवाई पहुंचा देंगे। और हाई कोर्ट से मैं आग्रह करूंगा, सुप्रीम कोर्ट से, यदि रात के 12 बजे अर्णब गोस्वामी की सुनवाई हो सकती है तो मैं हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा, इन सिस्टम, इन पदाधिकारी, इन प्राइवेट नर्सिंग होम और इन नेताओं की मिलीभगत की भी सुनवाई हो। भारत में 50,000 मौत डेली होती है और उसको 5,000-7,000 पर सिमट दिया जाता, ये गलत है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में कोरोना का संकट हर रोज गहराता जा रहा है, ये रोज रोज हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आप इसे सुनने और जानने के बाद हो सकता है खुद को सतर्क कर लें। अब बात करेंगे बिहार में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की, जो लगातार इन दिनों बिहार के कई अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं और दौरा करने के दौरान मरीजों के हालात को देख और समझ रहे हैं, साथ ही साथ सरकार की कमियों को भी उजागर कर रहे हैं। पप्पू यादव इस बार गया पहुंचे, गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उन्होंने भ्रमण किया और उसके बाद जो व्यवस्थाएं उन्होंने देखी उसके बाद क्या कुछ बोल रहे हैं आप सुन लीजिए। तो फैला दिया इन पॉलिटिशियन ने, शमशान में ऐसे पॉलिटिशियन का जगह होना चाहिए जिन लोगों ने रावण और कंस और यजीद बन के पूरे भारत को ऑक्सीजन के लिए तड़पा दिया, पूरे भारत के लिए को बेड के लिए तड़पा दिया, पूरे भारत के को दवाई के लिए तड़पा दिया, इंजेक्शन के लिए तड़पा दिया, वेंटिलेटर के लिए तड़पा दिया, पूरे भारत को मरने पर मजबूर कर दिया। ये कोरोना से नहीं मर रहा है, ये सरकार की अव्यवस्था के कारण मर रहा है, डॉक्टर के लूटने के कारण मर रहा है, डॉक्टर के निगलेंसी से मर रहा है, ये सरकार की दिलचस्पी नहीं लेने के चलते मर रहा है, प्राइवेट नर्सिंग होम मौत का सौदागर बना हुआ है, इस पर बैन करना चाहिए, सरकार को टेक ओवर करना चाहिए जब तक ये कोरोना वायरस है, और एक टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए, किसकी कहां जरूरत है, किसको वेंटिलेटर की जरूरत है, और दवाई पप्पू यादव देने को तैयार है, सरकार अपनी दवाई बंद करे, कंप्लीट बाजार जा रहा है और उसको बेचा जा रहा है, मैं दवाई देने को तैयार हूं, सरकार फ्री करे, सिर्फ इतना काम करे सरकार, हम दुबई से लाएंगे या किस कंपनी से दवाई, पप्पू यादव जाने का, आप हमको बिलिंग दे दीजिए आपके होलसेलर से, एक एक मरीज तक हम दवाई पहुंचा देंगे, आपको कोई जरूरत नहीं है, एक एक मरीज तक हम दवाई पहुंचा देंगे। ये परिस्थितियां इसीलिए कोलैप्स कर चुका है, मैं बहुत क्लियर हूं कि सारा जितने लोगों को टेंडर मिला है सफाई कर्मचारी जिन जिनों का, उस पर एफआईआर लॉज होना चाहिए। इस नरसंहार के जिम्मेदार कौन है, नेता, सिस्टम और मेडिकल कॉलेज के सिस्टम, तीनों की इंक्वायरी जांच होनी चाहिए। और हाई कोर्ट से मैं आग्रह करूंगा, सुप्रीम कोर्ट से, यदि रात के 12 बजे अर्णब गोस्वामी की सुनवाई हो सकती है तो मैं हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा, इन सिस्टम, इन पदाधिकारी, इन प्राइवेट नर्सिंग होम और इन नेताओं की मिलीभगत की भी सुनवाई हो। ऑक्सीजन का ब्लैक मार्केटिंग कैसे हुआ, दवाई आउट ऑफ ब्लैक मार्केटिंग कैसे है, दवाई के बगैर लोग मर कैसे रहे हैं, और मौत की संख्या क्यों छुपाई जा रही है जबकि बिहार में सिर्फ 300 से 500 मौत डेली है, भारत में 50,000 मौत डेली होती है और उसको 5,000-7,000 पर सिमट दिया जाता, ये गलत है। कंप्लीट रूप से जांच की प्रक्रिया को फेल कर दिया है और कोरोना को बढ़ने के लिए लोगों को मारने की तैयारी, मई में इतने मरेंगे जिसका अंदाजा आपको नहीं। तो सुना आपने, पप्पू यादव इस बार काफी गुस्से में नजर आ रहे थे, वो सरकार पर हमले तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ ये भी बता रहे थे कि बिहार में अगर कोरोना के मरीजों को बचाना है, कोरोना से बिहार को मुक्ति दिलानी है तो क्या क्या करना हो सकता है, ये सारे उपाय पप्पू यादव ने अपने अनुसार बताए। उसके बाद उन्होंने सरकार पर खूब हमला बोला, बोला कि मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है और बिहार की सरकार पर खास तौर पर उन्होंने अपने हमले को केंद्रित रखा और इसी दौरान कई सारी बातें उन्होंने सुना दी। आप बने रहे लाइव सीरीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।